सवेर का टाइम था, उस टाइम अरे बिल्कुल बाजार खाली था जी। उन्होंने रस्ते च कोई स्कूटर नहीं, कोई कार नहीं मिली, बिल्कुल खाली जगह थी। स्पीड नाल गड्डी आई, अंदर गड्डी सीधी दुकान के अंदर बाड़। बहुत ज़्यादा नशा करया हुआ था जी, ओवरलोड होया हुआ था। उन्हें ये नहीं पता लग रहा कि मैं एक्सीलेटर दबा रहे हैं या ब्रेक दबा रहे हैं, तो सीधी गड्डी साड़ी दुकान च लैके बाड़। ओवर स्पीड गड्डी जिदे विच के लगातार मृतक देहां लैके जाई जांदे आ, इत्थों दी इक कमेटी दे वल्लों ओह गड्डियां पाईआं जिस दे विच सेवा कीती जांदी है, जिहड़ियां मृतक दे जिहड़े लोक ने अपने घरों मृतक देह नूं जिहड़ा कि उह शमशान घर तक लिजाण दे वास्ते पैसे नहीं दे सकदे, उस कमेटी दे वल्लों उस गड्डी दे विच फ्री सेवा कीती जांदी है। रोजाना स्पोक्समैन देख रहे दर्शकों का स्वागत, मैं पटियाले तो तरुण ठकुरा दस तो अच्छे एक गद्दी घटना के नाल जोड़न जा रहा है कि उस समय असी पटियाला के बर्तन वाले भांड्या वाले बाजार में मौजूद हाँ, जिथे कि एक सीसीटीवी वीडियो वायरल होंदी है कि उस दुकान के एक अंतिम यात्रा वैन जी की है वह ड्राइवर जरा चला रहा हों और नशे की हालत में हों, तो जी अंतिम यात्रा वैन है वह सीधी दुकान के अगे बढ़ जाती है, बिल्कुल काफ़ी तेज़ रफ्तार के नाल अंतिम यात्रा वैन आ रही होंगी है। तो तस्वीर तुम दिखा देना चाहना सीधी रोड की, भी यह रोड जी की है सामने सिद्धी रोड के उपर जी की है एक अंतिम यात्रा वैन आ रही होंगी है, तो वह वैन जी की आँदी इन्नी तेज़ होंगी है कि उस तो मोड़ तक नहीं कटा जाता, सीधी जी कि वह दुकान के आगे बढ़ती है। सो तस्वीर तुम दिखा देना चाहते हैं भी किस तरीके दुकान का नुकसान होया, दुकान का फ्रंटला शीशा जरा कि वह भी टुट जाता, तो उपर की तस्वीर दिखाना चाहवागे भी किस तरीके जोड़े कि दुकान के अंदर जो आके वह बचती है, तो जोड़े इतों के मालक ने वह बाल बाल बचते हैं, तो बिल्कुल उपरला जरा कि पूरा शटर है वह भी इस समय जोड़ा कि नुकसानिया जाता है। तस्वीरों के देख रहे हो सीसीटीवी फुटेज के जिवें कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा भी किस तरीके एक अंतिम यात्रा वैन जी कि ओवर स्पीड होंगी है, तो ड्राइवर के वालों उसके उपर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो जोड़े कि वह सीधी आके इस दुकान के बजती है। गलबात करते हैं दुकान के मालकों के नाल। हाँ जी बाबू जी, क्या नाम है जी अपना? राजेंद्र गोयल। राजेंद्र गोयल जी, अपनी दुकान का की नाम है? बॉम्बे स्टील। बॉम्बे स्टील की एक वीडियो वायरल हो रही है जी, जिस सीसीटीवी देखा जा रहा है एक अंतिम यात्रा वैन आती है दुकान के आगे बसती है, की गल की हुई है सर? भाई साहब 9:30 का टाइम था, साड़ी फैमिली सारी इधर बैठी थी दुकान के साइड पर, उधर एक गुड़ मंडी तो बहुत तेज़ गड्डी आई, गड्डी इन्नी तेज़ थी कि उसकी कोई लिमिट नहीं, चाहे 180 किलोमीटर की स्पीड कह लो चाहे 100 किलोमीटर की स्पीड कह लो, उन्हें आके सीधी अंदर साड़ी दुकान चो बाड़ दी, जबकि असी तीन साड़ी पूरी और फैमिली थी, फैमिली से तो साड़ा बचाव हो गया, साढ़े खरों भी नहीं उस परमात्मा की कृपा नाल, लेकिन जोड़ा नुकसान होया वो सानू तो कोई वो नहीं है, परमात्मा देगा कर नुकसान भर जाएगा, लेकिन जान साड़ी जाना बच गई, मतलब जान ही बचाओ हो गया जी। सर बहुत जी गल की अभी हिसाब से बाजार की तस्वीर देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश भीड़ वाला बाजार है, लगातार इतने ट्रैफिक जाम पे रहा, सो इन्नी तेज़ रफ्तार ना गड्डी आ कि सकती है? भाई साहब सवेर का टाइम था, उस टाइम अरे बिल्कुल बाजार खाली था जी, उन्होंने रस्ते च कोई स्कूटर नहीं, कोई कार नहीं मिली, बिल्कुल खाली जगह थी, स्पीड नाल गड्डी आई, अंदर गड्डी सीधी दुकान के अंदर बाड़, क्योंकि बिल्कुल उसे मोड़ है तो लगता है भी उस तो मोड़ जरा कि कटिया नहीं गया, तो गड्डी की स्पीड ओवर से कंट्रोल नहीं होया, यही कारण हो सकता है? कारण कोई नहीं था जी, उसका बहुत ज़्यादा नशा करया हुआ था जी, ओवरलोड होया हुआ था, उन्होंने यही नहीं पता लग रहा भी मैं एक्सीलेटर दबा रहे हैं या ब्रेक दबा रहे हैं, मैं सीधी गड्डी साड़ी दुकान चल लैके बाड़। पता लगे गड्डी किन्ना दसी कौन मालिक सी? गड्डी अपनी शव यात्रा वाली थी जी, ये अपनी राघो महाजरा रामलीला ग्राउंड कमेटी वाले की गड्डी है, उन्हें तो सारा ड्राइवर की कृपा नाल सारा काम होया जी। तो मतलब कि प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचे, शिकायत कराएगी कोई? हाँ जी हाँ, साड़ा प्रशासन ने पूरा साथ दिया जी, पुलिस उन्होंने पुलिस ले भी गई, गड्डी भी लेगी, ड्राइवर नू भी ले गए नाल, उन्होंने साड़ा पूरा मौके पर आके पूरा साथ दिया। हाँ जी, बारी की नाम है? सजल गोयल है जी। हाँ जी, की कहना चाहो? असी तो देखो प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने कमेटी वाले का भी करते हैं, बेचारे सारी कमेटी आ गए उसी वक्त आके खड़ी हुई, वो बेचारे शर्मिंदा हो रहे हैं कि साडे ड्राइवर वालों ये मतलब जो भी इंसीडेंट होया वो बेचारे शर्मसार हो रहे हैं, पर एक सेवा का काम है ना कि वो इससे कोई कमाई कर रहे हैं, वो हालांकि इसी काम लिए जा रहे थे किसी सुख दुख से जा रहे थे गड्डी, बट ये ड्राइवर की अणगहली नाल उन्होंने शर्मिंदा होना पाया, पर असी चाहते भी उन्होंने असी उन्होंने नाल खड़े हैं, अज भी खड़े हैं, तो मतलब शुरुआत तो खड़े हैं अगे भी खड़े हैं, साढ़े बाऊ जी की बल्कि इन्ना एक पत्नी दिलों कह लो या धार्मिक तौर पर ये कहते गड्डी का खर्चा भी असी देंगे, असी लेना कुछ नहीं है, उल्टा जो गड्डी का खर्चा होया है या गड्डी का कोई नुकसान होया असी वो भी देने बैठे। पर लगता ना भी ड्राइवर की जांच करनी चाहिए थी, भी यह जहाँ जो नशे की हालत भी ड्राइवर को गड्डी नहीं देनी चाहिए, हो सकता सगा भी रस्ते भी किसी का नुकसान कर बैठता हो। जी जी जी, एक बहुत बड़ा पॉइंट है, कमेटी को अगे इस चीज़ उपर सोचना पेगा भी, देखो आप सेवा का काम तो कर रहे हैं,
किसी का नुकसान हो जाए फिर उस सेवा का कोई फायदा ना हो जी चीज किसी जानी मन नुकसान करे। नुकसान होगा दुकान का इस समय देखो नुकसान बहुत ने जी पर आप चीजा गौर नहीं करते पता लगे भी चलो गड्डी की गलती है भावे रस्ते लोग 100 लोगों का बचा हो गया जानी नुकसान बेशक दुकान का हो गया पर कि नुकसान लगता भी हो चुका मशीनरी का काफ़ी नुकसान जी साडा खुद का वहीकल खड़ा सीगा काफ़ी चीज़ा सगिया असं उस तो चकवा के उन्होंने स्टोर से भेजते हैं भी उरे किसी ना दिखाइए ना साढ़े बोरे का कोई बुरा इंपैक्ट पवे भी आप सोचते रहिए इस करके अस चीज़ा कभी सोचा नहीं ना रब सोचा दे असू धार्मिक ख्याल से लेके चलते हैं वो मर्जी मतलब जो वो रजा होगी चंगा होना अगे भी चंगा ही होगा बस चलो भी जान बचा हो गया पर की कहना चाहोगे मौके के उपर जो नुकसान होया हूँ भरपाई की मांग की जाती है प्रशासन वालों नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल बिल्कुल मंग नहीं करते असी बस यही कहने कमेटी सिर्फ कमेटी जी देनी है जी कमेटी ही उन्होंने जो पनिशमेंट दे तो कमेटी करे ना प्रशासन करे ना असी करेंगे ना असी किसी पैसे की मांग करते हैं। सो बिल्कुल ही दुकानदार जिम्मे कह सकता भी हमें भगती ख्यालों के नाल चल रहे हैं कहा जा रहा है कि असं किसी भी भरपाई का नुकसान जो कि प्रशासन तो मंग नहीं करते पर तस्वीर तो दुकान की एक बार फिर दिखा देना चाहते हैं भी किस तरीके जी गड्डी उड़ा के बजे तो काफ़ी समान जो है इन्हों का नुकसान है क्योंकि बाजार की तस्वीर दिखा दिए क्योंकि लगातार जो इतने बाजार के जोड़ा कि ट्रैफिक जाम रहता सो एड्डी जगह बेशक नहीं दिखती कि लगातार जो कि इतों कोई स्पीड के नाल वाहन आ सके पर जो तो सवेरे की गल की जाए तो सवेरे बहुत ज़्यादा जोड़ा कि रस्ता कहते हैं खाली दिखाई देना सो एक ओवर स्पीड गड्डी जिदे विच के लगातार मृतक देह लैके जाई जाते हैं इतों की एक कमेटी के वलों वो गड्डिया पाइं जिस सेवा की जाती है जिहड़ियां मृतक के जिहड़े लोग ने अपने घरों मृतक देह जिहड़ा कि वह शमशान घर तक ले जाने वास्ते पैसे नहीं दे सकते उस कमेटी के वलों उस गड्डी दे विच फ्री सेवा की जाती है जिहड़े परिवार के घर तो लैके डेड बॉडी है वो शमशान घर के लैके आते हैं तो उत्थे उसका संस्कार किया जाता है। भांड्याली बाजार जो मार्केट है उत्थों के जोड़े कि मार्केट के प्रधान ने साडे नाल ने गलबात करांगे उन्होंने नाल भाजी की नाम है जी अपना मेरा नाम रिक्की कपूर है जी रिक्की जी जिस हिसाब से कहा जा रहा भी हूँ तीन यात्रा की वैन है नाल की दुकान के अंदर दाखिल हुई है तो बिल्कुल नुकसान होने तो जानी नुकसान होने बच गया पर कार्रवाई की उन्होंने मांग की जा रही भी किस तरीके की कार्रवाई हूँ मार्केट कमेटी वालों की जाएगी। कार्रवाई देखो जी जे आप गल करिए भी कानूनी कार्रवाई करन दा कोई फायदा नहीं है ठीक है उहदे नाल कोई इहदा हल नहीं निकलेगा कलू उल्टा होर कलू भी उन्हें ड्राइवरी करनी है कानूनी कार्रवाई करवावे आपां तां उन्हें ड्राइवरी करनी है कलू होर किसी नूं थले दे देगा अज तां बंदा बच गया इहदी सिर्फ इही निकलदा है भी जिहड़ी संस्था की गड्डी है भी उह संस्था के प्रधान साहब नूं असीं बेनती करांगे भी तुसीं जिहड़ा ड्राइवर रखना है भी उहदी चंगी तरह पहलां मैडिकल टेस्ट कराओ देखो भी वह काबल है कार गड्डी चलाने दे या नहीं है का। एक गड्डी ये तो है नहीं भाजी जिस तरह प्राइवेट गड्डिया चल दिया ने वो कार सी ये शव यात्रा वाली गड्डी है शव यात्रा वाली गड्डी के उत्ते कोई ये नहीं है भी जना खाना चढ़ के गड्डी चलान लग जाएगा सवेरे 9 बजे का टाइम सीगा सवेरे इन्ना रश नहीं हुंदा उरे बाजार दे विच अज तां रब का शुक्र करते हैं भी ये ओ टाइम ते गड्डी आ रही थी ठीक है जी किसी का नुकसान नहीं होया नहीं तो इस रोड के उत्ते बच्चे भी हैं जिहड़े स्कूल जाते हैं कोई बजुर्ग भी हैं कोई पिंडां तो आते हैं बजुर्ग लेडीज भी होंदियां ने भी किसी का नुकसान नहीं होया नहीं तो कुछ भी हो सकता सीगा जी मौके ते ना रुकी तो हो सकता किसी दे भी जान नुकसान बिल्कुल जी बिल्कुल हो सकता सीगा जी बिल्कुल हो सकता कहा जाए कानूनी कार्रवाई की मंग तो नहीं करते पर जिहड़े लोग ने उत्थे और जिहड़े मौजूद सन उन्हां दा जानी नुकसान होने जिहड़ा कहा बच गया पर इस समय गल की जाती है भी जरा जो उन्होंने जो प्रशासन सगा जो उन्होंने कमेटी सी उन्होंने वालों लगातार कहा जा रहा भी उन्होंने वो जो सज़ा देने के हकदार उही ने कि वह मैडिकल करा के अगर ड्राइवर रखे जाने क्योंकि शव यात्रा गड्डी है लोगों की मदद जरूर करती है सेवा भावना के चलाते हैं पर अगर उस समय सवेरे इस सड़क के उपर रश हों का किसी का भी जानी नुकसान जोड़ा क्या वो हो सकता है प्रशासन के वालों उस ड्राइवर अपनी गिरफ्त में लै दिता गया तो उस तो जी हो सकता भी जी बनती कार्रवाई की जाए तो उसके बनती सज़ा भी की जाए कैमरामैन के नाम तरन ठुकराल रोजाना स्पोक्समैन पटिया।